जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारी वैरायटी की प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई है। ये सभी किस्म की प्लेट्स हम बना सकते हैं अपने घर के अंदर एक मशीन लगा करके। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर टिन और कैंस का अवेलेबल है, उससे आगे की साइड में जाएंगे। इन्होंने सैंपल बना रखा है और मशीन यहाँ पर चल रही है, तो मशीन का ये रोल लगा हुआ है, कितना बड़ा रोल आपका। तो ये हमने थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट बनाया है जो कि हनीकॉम से बना हुआ है। इसके बाद में फाइनल जो कप्स है वो आपको इस तरह के ये देखने के लिए मिल रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप। ये अलग तरीके का पैकेजिंग हमने हनीकॉम के थ्रू बना रखा है जो कि एज प्रोटेक्ट करने के लिए जो है काम आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपको प्रगति मैदान, जहाँ पर पैक प्लस एक्सपो 2023 की स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप पैकेजिंग इंडस्ट्री से हैं और एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें कम बजट में कम कॉस्ट में आप नया स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं वो सभी जानकारी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पूरे एक्सपो का टूर तो कराऊंगा ही, साथ में क्या नया कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे, क्या नई टेक्नोलॉजी आपको पैकेजिंग इंडस्ट्री से देखने के लिए मिलने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, मैं पैक प्लस एग्जीबिशन में हूँ इस टाइम, और मेरा नाम प्रातीश बंसल है और हमारी कंपनी का नाम है दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन। हम पिछले 25 साल से दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड हैं और दिल्ली शाहदरा में हमारी फैक्ट्री है, और हम पेपर प्लेट के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर प्लेट। आज की तारीख में थर्मोकोल और प्लास्टिक बैन हो चुका है, मार्केट है तो सिर्फ पेपर प्लेट्स की। ग्लासेस के अंदर अलग बाजार है, पेपर प्लेट्स का एक अलग बाजार है जो 4 इंची से लेकर 14 इंची तक हर किस्म की प्लेट्स बनती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारी वैरायटी की प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई है। ये सभी किस्म की प्लेट्स हम बना सकते हैं अपने घर के अंदर एक मशीन लगा करके। अगर किसी को छोटा काम करना है जो कि 1,50,000 से शुरू करना चाहता है तो 50,000 रुपए की रेंज से ये मशीन स्टार्ट हो जाती है, सिंगल डाई फुल ऑटोमेटिक। 50,000 रुपए की रेंज से मशीन स्टार्ट होकर के और 1,00,000 रुपए की रेंज में अच्छी मशीन आती है। 1,00,000 रुपए की मशीन का नाम होता है ऑल इन वन मशीन, जिसके अंदर हम 4 इंच से 14 इंच तक पतले से पतला मोटे से मोटा हर किस्म का डिजाइन हर किस्म की शेप हम इस मशीन में बना सकते हैं। तो एक ऑल इन वन मशीन 1,00,000 रुपए के बजट के अंदर लगा करके आदमी अपने घर में पेपर प्लेट की इंडस्ट्री शुरू कर सकता है। जैसे कि आप ये मशीन्स देख पा रहे हैं, इसी तरीके से रोल लगा करके फुल ऑटोमेटिक मशीन होता है, पीछे रोल लगेगा और आगे प्लेट बन के बाहर गिरेगी, रोल लगेगा प्लेट बन के बाहर गिरेगी। ये मशीन 1,00,000 रुपए की रेंज में आती है, हाइड्रोलिक डबल डाई की मशीन होती है, और हम इसके अंदर डाई चेंज करके सारा काम कर सकते हैं। छोटा डाई लगाएंगे छोटा आइटम बनेगा, बड़ा डाई लगाएंगे बड़ा आइटम बनेगा। तो एक इंसान एक मशीन लगा के लगभग 1,00,000 रुपए की मशीन, 20-25-30,000 रुपए की डाइयां, 1.5-1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट करेगा, 50,000 रुपए रॉ मटेरियल पे लगाएगा, 2,00,000 रुपए में उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस चालू हो सकता है, जिसके अंदर वो महीने का 40,000-50,000 रुपए महीना कमा सकता है। तो और अगर इसी काम को आप हाई लेवल पे करना चाहते हैं तो फिर वैरायटी अनगिनत है जी। प्लास्टिक थर्मोकोल बैन हो चुका है तो मार्केट में डिमांड इस चीज की बची है। अभी सर आपने पीछे की साइड में काफी सारे ये सैंपल्स लगाए हुए हैं, तो इनके सैंपल्स के बारे में बताएं आप किस तरह से ये। देखिए, जैसे कि ये सारा वाटरप्रूफ आइटम है, अभी प्लास्टिक थर्मोकोल बैन होने के बाद में ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर कोई प्लास्टिक नहीं है, ये इसमें कोई फिल्म नहीं है, पीछे क्राफ्ट पेपर है और आगे माइका पेपर बोलते हैं इसे। तो गवर्नमेंट की तरफ से 100% अप्रूव्ड है और इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, इसके अंदर कोई प्लास्टिक का उपयोग नहीं करा गया। तो इस किस्म की सारी आइटम्स हम बना सकते हैं। इसमें खाना खाने के लिए पार्टीशन प्लेट होती है जिसे भोजन थाल भी बोला जाता है, सब्जी रोटी चावल के अलग अलग इसमें खाने बने हुए हैं। ये रॉ मटेरियल है जो मार्केट में, ये हम सारे आपको रॉ मटेरियल दिलवाएंगे कहाँ से लेना है। इस तरीके के सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। खाना खाने के लिए ये जो बुफे प्लेट है ये बहुत डिमांड में है इस टाइम, इसके अंदर आदमी खड़े होकर खाना खाता है, क्योंकि हार्ड प्लेट है और इसके अंदर थर्मोकोल प्लास्टिक ही चलता था। अब आज की तारीख के अंदर इसके अंदर बगास का कंपटीशन है जो 8 रुपए या 10 रुपए का है, और ये प्लेट बाजार में 2.5 रुपए में बिक जाती है। और इसकी प्लेट के जो मशीन से मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी कॉस्ट है वो कितनी आती है? 1.80 रुपए का शीट मिलता है रॉ मटेरियल, 10 पैसे का कन्वर्जन कॉस्ट आता है, 50 पैसे पर पीस का मार्जिन आता है बनाने वाले को, 2.5 रुपए में वो होलसेलर को देता है, ग्राहक के हाथ में 3 रुपए तक पहुंच जाती है। जी जी, 3 रुपए तक बाजार में ग्राहक के हाथ में पहुंच गई। बाजार में इस आइटम को इस साइज के लिए अगर घर में किसी को 12 इंच की प्लेट चाहिए तो उसमें ऑप्शन सिर्फ बगास की प्लेट बचा है जिसकी कॉस्ट 10 रुपए, तो बाजार में मिडिल सेगमेंट के लिए बहुत बढ़िया आइटम है। और सर ऊपर हम देख पा रहे हैं ये भी काफी अंदर आपने ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स हैं जी, वही प्लेटें हैं सारी बफे प्लेट्स, लेकिन प्रिंट्स अलग अलग हैं। तो जैसे जैसे प्रिंट्स बढ़ रहे हैं, सिंगल कलर डबल कलर फोर कलर कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और सर मशीन्स के बारे में थोड़ा बताइए आप। ये मशीन बुफे की प्लेट की मशीन है, पीछे से बस शीट रखनी है आदमी को और शीट आगे डाई पे जाएगी। अलग अलग प्रिंट्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लेट बनी आगे और बनकर बाहर तैयार हो गई।
आदमी बाजार में 20 पीस की 25 पीस की पैकिंग करेगा और मार्केट में बेचेगा जी। और सर ये जो इसके लिए जो मेटल है ये कहां से मिलता है? आराम से ऑल ओवर इंडिया रॉ मेटल बनाने वाले लोग हैं, हम सारी सोर्सिंग करा देंगे। अगर आदमी बिहार का है तो उसे बिहार से दिलवा देंगे, हरियाणा का है तो हरियाणा से दिलाएंगे, दिल्ली का है तो दिल्ली से दिलाएंगे। और ये प्लाई होती है, इसमें प्लाई के हिसाब से डिजाइन होता है? कोरोगेशन की शीट है 100 GSM 3 प्लाई की, 340 GSM बोला जाता है। प्रिंट के हिसाब से रेटों में फर्क है, 1.70 रुपए से लेकर 2.20 रुपए तक की एक शीट है ये। जैसे अब ये 4 कलर की शीट है तो 2.20 रुपए की है, डबल कलर की है तो 2 रुपए की है, सिंगल कलर के अंदर आएगी तो 1.70-1.80 रुपए तक आ जाएगी। तो 1.70 से 2.20-2.25 तक की कॉस्टिंग के अंदर ये शीटें सारी बनती हैं। अभी सर ये मशीन हम देख पा रहे हैं, इस मशीन का आउटपुट की बात करें तो कितना आउटपुट? 1200 पीस लिखा हुआ है। नहीं, वो अलग मॉडल है। ये वाला जो मशीन अभी बना रहा चलता हुआ दिख रहा है ये 1200 पीस एक घंटे में दे रही है, 1200 पीस एक घंटे में आउटपुट दे रही है। इसी में डबल डाई की मशीन है और 2400 पीस देती है। प्राइस में मशीन, ये मशीन 3 लाख रुपए का कॉस्ट है, 3 लाख का, और इसके बाद में जो डबल डाई की है वो 4 लाख रुपए का, वो 2400 पीस एक घंटे में दे रही है, तो बहुत हाई प्रोडक्शन है। और ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें जो इसमें शीट इस्तेमाल हो रही है ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें कोई फिल्म नहीं है। तो गवर्नमेंट के जो प्लास्टिक और थर्मोकोल का बैन कर चुकी है उसके हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। और सर मैं इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह की बात करूं, वो कितनी एनर्जी एफिशिएंसी है मशीन वगैरह? 4 किलोवाट की बिजली से ये मशीन चलती है और इसके अंदर आदमी 1200 पीस एक घंटे में बना रहा है, तो बहुत ही इससे अच्छा हाई प्रोडक्शन मशीन होता ही नहीं है कोई बाजार में। आपने सब मशीनों के बारे में बताया, आप ये बताइए आपसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे आपसे रीच आउट कर सकते हैं इस तरह के बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए? भाई आप दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन सर्च कर लीजिए गूगल पे, दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन, जैसे कि आपको हमारा पीछे नाम दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हम एस्टैब्लिश हैं पिछले 25 साल से और हम सिर्फ पेपर प्लेट्स का काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम कोई दूसरा काम नहीं करते। तो पेपर प्लेट के अंदर हम स्पेशलाइज कर रहे हैं, आप हमारे को कॉन्टैक्ट करिए। मेरा नाम प्रातीश बंसल है, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मेरे नंबर आपको दिख जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, और आप आइए हमारी फैक्ट्री विजिट करिए। हमारे डीलर्स भी ऑल ओवर इंडिया, हर ऑल ओवर इंडिया करीबन 90 से 100 डीलर्स हैं हमारे। अगर आप दूर हैं तो मेरे कंपनी के नंबर को कॉल करके हमारे डीलर्स के यहाँ जा सकते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं पैक प्लस एक्सपो 2023 में ना केवल पैकेजिंग से रिलेटेड आइटम्स की जो मशीनरी है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है, बल्कि ये प्रिंटिंग मशीन है। और कैरी बैग सामने आप देख पा रहे हैं, तो कैरी बैग्स पर भी प्रिंटिंग वगैरह आप करा सकते हैं। इन सब के भी कैरी बैगों पर आप मॉडिफिकेशन और प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्क है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। सभी मॉडिफिकेशन हो रही है और प्रिंटिंग मशीन सामने आप देख पा रहे हैं, ये प्रिंटिंग मशीन है। इस मशीन के थ्रू भी आप कैरी बैग को प्रिंट करा सकते हैं। ये प्लेन बैग रखे हुए हैं यहाँ पर, ये सामने प्लेन बैग रखे हुए हैं, और इस बैग के थ्रू आप इस मशीन के थ्रू यहाँ पर इन सभी चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करने के बाद में फिर आगे जो अलग अलग मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, तो प्रिंटिंग से रिलेटेड भी मशीनरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली। जैसे कि मैं बता रहा था, ये एक्सपोर्ट पैकेजिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग कस्टमर की क्या प्रोडक्ट है उस हिसाब से इस डब्बे को जो है बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए हनीकॉम शीट्स और एंगल बोर्ड का उपयोग जो है वो हमने किया हुआ है। हम लोग लगभग 45 कंट्रीज में अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा काफ़ी मटेरियल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में भी हम लोग अलग अलग कंपनीज को डायरेक्टली सेल करते हैं। ये शिपिंग कार्टन है, ये प्राइमरी पैकेजिंग की तरह जो है कंपनी जो है यूज़ करती हैं। तो हम लगभग अलग अलग कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डायमेंशंस के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। ये एज प्रोटेक्टर्स हैं, ये एजेस के ऊपर यूज किए जाते हैं, कॉर्नर साइड पे यूज। हाँ जी, कॉर्नर के ऊपर यूज किया जाता है। हाँ जी, ताकि जो ब्रेकेज है वो ना हो किसी भी टाइप के मटेरियल में। ये अलग तरीके का पैकेजिंग हमने हनीकॉम के थ्रू बना रखा है, जो कि एज प्रोटेक्ट करने के लिए जो है काम आता है। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं जी। थर्मोकोल जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है आज की डेट में, बहुत गवर्नमेंट जो है लोग जो है वो इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस पे जाना चाहते हैं, तो ये हमने थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट बनाया है जो कि हनीकॉम से बना हुआ है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं ये हनीकॉम शीट है, इसके अंदर जो है खांचा बना के कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट जो है कस्टमाइजेबल लगाया जा सकता है। तो ये अभी वाइट गुड्स इंडस्ट्री में जहाँ की थर्मोकोल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है,
उसका पूरा रिप्लेसमेंट है। ये कम्प्लीटली रिसाइकलेबल पेपर से बना हुआ है, तो इसका जो है फ्यूचर में थर्मोकोल को रिप्लेस करने का बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये। तो सर इसके स्ट्रेंथ वगैरह की बात करें, प्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कितनी प्लाई का है या कैसे स्ट्रेंथ चेक करते हैं? स्ट्रेंथ जो है हम लोग इसको बनाते ही उसी तरीके से हैं, हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं डिवाइस करने के, कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर उसका क्या, किस तरीके से उसके लॉजिस्टिक्स हैं, किस तरीके का उसका वेट है, कहाँ वो यूज़ हो रहा है, उस तरीके से हम लोग इसको बना कर देंगे। एंड उसकी ड्रॉप टेस्ट और बाकी और क्वालिटी टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग करके देते हैं, या फिर कोई भी कंपनी जो है वो बाहर से भी करवा सकती है, ताकि ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन जब प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके अंदर किसी भी टाइप की ब्रेकेज या पिल्फरेज जो है प्रोडक्ट में ना आए। जी जी, थोड़ा टेक्निकल अगर बात करूं तो जैसे ये हनीकॉम स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है इसके अंदर अगर हम लोग अलग अलग सेल साइज के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल को बनाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। जी तो सर आपका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है, इस तरह के प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फरीदाबाद हरियाणा में, हमारे यहाँ पे 3 units हैं और हम लोग वर्ल्ड ओवर सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। और हमारे से कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.packcraftindia.com के ऊपर जा सकते हैं। पैक प्लस एक्सपो में अलग अलग स्टॉल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रही हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए, तो ये मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अलग अलग कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को शोकेस किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं दोनों साइड में, और पैकिंग से रिलेटेड हर तरह का जो प्रोडक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जिस साइड में भी आप नज़र घुमाएंगे उस साइड में आपको पैकेजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी इस साइड में चलते हैं और इस साइड में आपको देखो, इस आगे की साइड में देखेंगे आप नमो कैप्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल देखने के लिए मिलने वाला है, जो पैट क्लोजर एंड क्राउन क्रॉक्स में डील करते हैं, और इस साइड में भी काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये पैकेजिंग से रिलेटेड स्टॉल है आपको, और इस सामने की साइड में आपको दिखाएंगे तो सेमलैक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी सारे स्टॉल इससे रिलेटेड आपको पैकेजिंग से रिलेटेड देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये वाला स्टॉल आप देख पा रहे हैं डी मार्ट का स्टॉल है, एस मार्ट का, और यहाँ पर भी ये सारा जो सामान है आइटम्स है पैकेजिंग से रिलेटेड आपको सारा ये देखने के लिए मिलने वाला है। टोटली आइटम्स ये पैकेजिंग से रिलेटेड है, लेबल्स वगैरह है, और ये सब चीज़ें आपको इन सभी स्टॉलों में यहाँ पर देखने के लिए भी मिलने वाली है।